दोस्तों, उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं और यहाँ की जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको लगातार इम्प्रूव करने लगातार उसको ट्रैक पर लाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए जाते हैं। उसी इनिशिएटिव में है अगला हमारा इनिशिएटिव, वो है CM कंपोजिट मॉडल स्कूल। आइए समझते हैं क्या इसमें सुविधाएँ होंगी और किस प्रकार से ये जो अभी मौजूदा व्यवस्था चल रही है उनसे ये किस प्रकार से बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी, और साथ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें इंक्लूड की गई हैं वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर जो ये अनाउंसमेंट की गई है, ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है और 18 मॉडल मंडल मुख्यालयों को छोड़कर के सभी 57 जनपदों में इनका निर्माण कराया जाना है। इसमें जो पढ़ाई होगी वो यहां पर कुछ अनूठे तरीके से, यहां पर जो मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हुए यहां पर पढ़ाई होगी और यहां पर जो पढ़ाई का जो स्तर रखा गया है वो प्राइमरी से लेकर के 12th क्लास तक यहाँ पर जो शिक्षक होंगे वो इनको बच्चों को जो पढ़ाएंगे वो प्राइमरी लेवल से पढ़ाई यहाँ पर शुरू होगी और 12वीं लेवल तक की ये पढ़ाई होगी। यहाँ पर 300 विद्यार्थी जो है वो अध्ययन कर सकेंगे एक स्कूल में और यहाँ पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूल निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान करने के निर्देश दिए गए हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। उसके बाद में अगला जो यहाँ पर एक व्यवस्था, यहाँ पर स्टाफ रूम की भी व्यवस्था होगी और यहाँ पर इनके साथ में सोलर पैनल होगा, जल संचयन के लिए इकाई होगी और उसके साथ में RO होगा, UV वाटर प्लांट होगा, मिड डे मील किचन डाइनिंग हॉल भी यहाँ पर होगा, यहाँ पर एक वॉशिंग एरिया, मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट और उसके साथ में शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए अलग अलग स्टाफ रूम भी निर्मित कराए जाएंगे। ये एक ओवरऑल व्यू है और ये इसको और अंदर से देखते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सुधार यहाँ पर करने की तैयारी में है योगी सरकार। ठीक है, यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश में गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार लगातार अनूठे प्रयास कर रही है। ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पर जो प्रयास है वो सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहे हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती की बात हो, चाहे वो हर तरीके से हो। यहाँ पर जो है, हालांकि देखिए, अभी वर्तमान में जो कंडीशन ये है कि लगातार यहाँ पर शिक्षक भर्ती की डिमांड उठती है, लेकिन पहले भी हम लोगों ने देखा है कि 68,500 वैकेंसी, उसके बाद में 69,000 वैकेंसी के माध्यम से एक बड़ा अमाउंट में शिक्षकों की भर्ती की गई है, लगातार डिमांड हो रही थी। उसके बाद में योगी जी ने यहाँ पर 60,000 वैकेंसी और यहाँ पर निर्दिष्ट कर दी है कि 60,000 और नए पद जो है वो सृजन होने वाले हैं। तो लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है, उसी क्रम में ये जो स्कूल बनेंगे ये नए स्कूल हैं, ये नए तरीके से नई तकनीक का प्रयोग करके यहाँ पर अध्ययन कार्य कराया जाएगा। यहाँ पर ये 57 जनपदों में, कहाँ पर 57 जनपदों में बनेंगे और मॉडल कंपोजिट विद्यालय का निर्माण इसमें होगा। कक्षा प्री प्राइमरी से लेकर के, मतलब कोई भी क्लास यहाँ पर छूटेगा नहीं, प्री प्राइमरी से लेकर के कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसमें एक जो विद्यालय होगा वहां पर 3,000 विद्यार्थी आराम से अध्ययन कर सकेंगे, ऐसा निर्माण यहां पर कराया जाएगा। 25 एकड़ में निर्मित ये विद्यालय होने वाले हैं और योगी सरकार की ओर से शिक्षा विभाग को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। यहाँ पर ऐसा कहा गया है, जो चीज़ें, जो एक प्लान है ना, जिस मॉडल में जो प्लान बनाया गया है वो प्लान जमीन पर, धरातल पर भी वही प्लान उतर करके आए, ये इसके लिए निर्देश भी दिया गया है स्पेशली मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसके बाद में यहां पर जो प्री प्राइमरी है, जिसको बाल वाटिका से लेकर के 12वीं तक की कक्षा संचालित की जाएंगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप छात्रों के समग्र विकास पर यहां पर फोकस किया जाएगा। एक ओवरऑल डेवलपमेंट, जो समग्र विकास, जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है शिक्षा में, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी और छात्रों को यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम पर आधारित विज्ञान, गणित, वाणिज्य और कला वर्ग में अध्ययन कराने का यहाँ पर अवसर मिलेगा, अध्ययन करने का यहाँ पर इनको अवसर मिलेगा। इन विद्यालयों में पूर्व कार्यरत शिक्षक, जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, में से उत्कृष्ट शिक्षकों को की प्रामाणिकता आधारित तैनाती की जाएगी। यहाँ पर जो शिक्षक होंगे वो कौन से होंगे पता है? वो यहाँ पर रिटायर्ड शिक्षक होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पर जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, लेकिन ऐसे रिटायर्ड शिक्षक जिनकी गुणवत्ता अच्छी है, जो क्वालिटी अच्छी है, जिनकी हेल्थ अच्छी है, जो यहाँ पर एक जिस एम के साथ में इस विद्यालय को एक तरह से संस्था, इसका निर्माण कराया जा रहा है, उस एम को पूरा करने के लिए जो योग्य हैं उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। योजना के अनुसार प्री प्राइमरी जो है और प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है और सेकेंडरी सीनियर और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के लिए अलग अलग शैक्षणिक ब्लॉक निर्मित किए जाएंगे, अलग अलग यहां पर प्रॉपरली
ब्लॉक का डिवीजन भी किया जाएगा। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि हर एक वर्ग के लिए एक नया ब्लॉक होगा, उसके आधार पर उनकी शिक्षाएं वहां पर होंगी। आधुनिक गणित होगा, विज्ञान की प्रयोगशाला होंगी, स्मार्ट क्लासेस होंगी, कंप्यूटर लैब होंगे, खेल का मैदान, मतलब यहाँ पर एक ओवरऑल डेवलपमेंट। मतलब आप टेक्निकली भी अपने बच्चे को साउंड बना सकते हैं यहाँ पर बेच करके, और उसके साथ में जो स्मार्ट क्लास के माध्यम से और कंप्यूटर के माध्यम से आप टेक्निकल बना सकते हैं, और दूसरी तरफ में विज्ञान के माध्यम से आप उसको साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करने के लिए कह सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक स्टेप है, एक बहुत अच्छा स्टेप यह बताया जा रहा है योगी सरकार का। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। राज्य के प्रवक्ता के अनुसार विद्यालय भवन भूकंप रोधी भी रहेगा। ये जो विद्यालय भवन है यहाँ पर भूकंप रोधिता की भी व्यवस्था होगी। यहाँ पर हरित ऊर्जा मतलब ग्रीन एनर्जी के आधार पर ही सारी जो डिजाइन है वो इसी प्रकार से रहेगी कि ग्रीन एनर्जी जो है वो उसको प्रिंसिपल्स को यहां पर फॉलो किया जाएगा। ऊर्जा कुशल वास्तुकला का निर्माण होगा, और साथ में विद्यालयों में वर्ल्ड क्लास अब स्थापना सुविधाएं सुलभ कराई जाएंगी। इनमें से कक्षा कक्ष के स्मार्ट क्लास, स्किल हब सेंटर, और 1 से 8 तक के लिए कंपोजिट विज्ञान गणित प्रयोगशाला, और 9 से 12 के लिए रासायनिक भौतिक और साथ में मॉड्यूलर प्रयोगशाला जो है वो निर्मित की जाएंगी। कंप्यूटर लैब, लैंग्वेज लैब, और 1 से 8 एवं 9 से 12 के लिए अलग अलग पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरीज भी बनेंगी यहाँ पर। लाइब्रेरी के साथ में यहाँ पर खेल के मैदान भी होंगे, स्पोर्ट के ग्राउंड भी होंगे, और साथ में ओपन जिम की भी व्यवस्था की जाएगी। ये हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ये व्यवस्था होने जा रही है, तो ये बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है प्रदेश सरकार का। ठीक है, तो ये व्यवस्था अगर भारत में हो जाती है तो ये व्यवस्था बहुत ज्यादा कारगर होने वाली है, ये व्यवस्था बहुत ज्यादा प्रशंसनीय होने वाली है। अगर यहाँ पर मिनिमम जो फीस में अगर इस प्रकार की क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी तो उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें एक अमूलचूल परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए जुड़े रहिए लगातार शिक्षा टाउन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।